वेलकम दोस्तों, आज की कहानी है परिवार, एक प्रेरक कहानी। एक घर में तीन भाई और एक बहन थी। बड़ा भाई और छोटी बहन पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों से बहुत प्यार करते थे, मगर एक बेटे से बहुत परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया और उसका मझला बेटा आवारा ही रह गया। बहन और मझले बेटे को छोड़ दोनों भाई की शादी हो गई। कुछ साल बाद बहन की भी शादी एक अच्छे से घर में हुई। दोनों भाई की शादी जल्दी हो गई क्योंकि सब डॉक्टर इंजीनियर जो थे, लेकिन उस आवारा बेटे को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। उसके माँ बाप बहुत परेशान हो गए। बहन जब भी अपने मायके आती तो अपने बड़े और छोटे भाई से पहले मिलती और उसके आवारा भाई से कम ही मिला करती, क्योंकि वह ना तो कुछ दे सकता था और ना ही बहुत जल्दी घर पर मिलता। वह पढ़ नहीं सका, इसलिए उसका आवारा भाई मजदूरी करता था। ऐसे लड़के को नौकरी भी कौन देता। उसकी शादी से पहले ही उसके पिता गुजर गए। माँ ने सोचा कि अब बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव में एक सीधी सादी लड़की से उस आवारा बेटी की शादी करवा दी। शादी होते ही उसका आवारा बेटा लगन से काम करने लगा। उसके दोस्त अगर उसे अड्डे पर बुलाते तो वह कहता, आज नहीं फिर कभी। उसके दोस्त कहते थे, शादी के बाद तू बहुत बदल गया है। शादी के बाद जैसे बीवी का गुलाम ही हो गया है। उसने कहा, ऐसी बात नहीं है, कल मैं अकेला एक पेट था तो अपने रोटी के हिस्से कमा लेता था। अब दो पेट हैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। घर वाले नालायक कहते तो चलता था, लेकिन मेरी पत्नी अगर मुझे कभी नालायक कहे तो मेरा मर्दानगी पर एक दाग लगेगा, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी दी होगी, फिर उसका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। इधर घर पर बड़ा और छोटा भाई और उसकी पत्नियाँ यह फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं और हमारा आवारा भाई ना के बराबर कमाता है। माँ ने लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय होती है। बहन भी आती है, वकील भी बुलाया गया और उसका आवारा भाई काम पर जाने के लिए बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसे पकड़कर घर के भीतर लाकर बोलते हैं, आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। वकील ने कहा, ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। आवारा भाई कहता है, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो हो वह दे देना, मैं शाम को आकर कागज पर साइन कर दूंगा। बहन बोली, अरे बेवकूफ, तू गवार का गवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई और बहन मिले हैं। माँ ने भी अपने आवारा बेटे से कहा, अरे बेटा आज रुक जा, बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन है। दोनों भाई 5-5 रख लेते हैं और उसके आवारा भाई के लिए पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। फिर उसका आवारा भाई चिल्लाकर बोलता है, फिर हमारी छोटी बहन का हिस्सा कौन सा है? उसके भाइयों ने कहा, अरे मूर्ख, बंटवारा सिर्फ भाइयों का होता है, बहन का हिस्सा सिर्फ उसका मायका होता है। आवारा भाई बोला, शायद पढ़ना लिखना भी एक मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत बहन के नाम कर दो। आवारा भाई अपने माँ की तरफ देखकर बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना? फिर उसकी बीवी की तरफ मुड़कर बोलता है, क्या मैंने गलत कहा जी? उसकी पत्नी अपनी सास के गले मिलकर बोली, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसे सासू मिली है और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। यह सुनकर बहन दौड़कर अपने आवारा भाई से गले मिलकर बोलती है, माफ़ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं आपको समझ ना सकी। आवारा भाई अपनी बहन से कहता है, इस घर में तेरा उतना ही अधिकार है जितना हम सबका। माँ का चुनाव इसलिए किया क्योंकि तुम सबको
मैं याद आऊं, क्योंकि यह वही कोख है जहां हम सब ने 9 महीने गुजारे। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई अपने आवारा और गवार भाई से लिपट कर कहते हैं, आज तो सचमुच का बाबा लग रहा है, तूने हमारी आंखें खोल दी है। सबकी पलकों पर पानी ही पानी, सब एक साथ फिर से रहने लग गए। दोस्तों, आपको यह प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।